तमाशा, इश्क तमाशा। वाली बीवी के लिए लेके आओगे ना? बहुत खुश हूं मैं आज। आ रहा तुमसे किया हुआ वादा निभा रहा हूं मैं आज, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है। भाई मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगा और मैं जिंदगी से प्यार करूंगा और आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। तुमसे कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की फिक्र है मुझे। रवि भाई, भाई वो मीना से मिलना चाहता हूँ। क्यों? मेरा मतलब मैंने कहा कि बात मिलते रहना। प्लीज भाई, मैं मीना से मिलके देखना चाहता हूँ वो इस वक्त क्या फील कर रही है। आराम, निकाह का भी इंतजार कर रहे हैं, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। भाई सुलेमान, बीबी को ले गया। रुशना बेटा, मैं अब चलूंगी। तुम्हारे खालू ने सुबह दफ्तर जाना है ना, जाकर उनके कपड़े इस्त्री करने हैं। तुम ना अपनी माँ से ज्यादा बहस ना करना, मैं कल फिर चक्कर लगाऊंगी। अच्छा, अब एक बात सोच रही थी मैं, तुम फोन करके वहाज को बता दो। नहीं खाला, सुबह तक इंतजार कर लेते हैं। अरे बेटा, वो इस घर का सरपरस्त है, उससे छुपाना ठीक नहीं है। तो जरूरी थोड़ी है कि उनको बताकर परेशान कर दिया जाए। हाँ ये बात भी ठीक है, वो परदेश में बैठकर कर भी क्या सकता है। खाला मुझे लगता है कि मेरा बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो ऐसी लड़की नहीं है जैसी आप लोग उसे समझ रहे हैं। बेटा जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, शायद यही लिखा था। बल्कि अब दुआ करो कि वो लौट कर ना आए, ऐसी लड़कियों को कबूल कोई नहीं करता। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बस तुम्हें नहीं पता ना इन बातों का। अच्छा मैं अब चलती हूँ, कुफरान मेरा बाहर इंतजार कर रहा है, कल लगाऊंगी चक्कर। हाँ बोल सलमान। निकाह कहाँ आ गए? बीवी जी को लिया है। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं लेकर आती हूँ। बेटा निकाह हुआ, आ गए, एक जोड़ा पहन लो। अरे वो इंसान को कफन पहनाते हैं, सिर्फ जोड़ा नहीं।
आइए आइए मौली साहब। लो आ गई तुम्हारी मोहब्बत, इसने तुम्हारा दिल तोड़ा था ना। भाई ये कौन है और किससे मेरा निकाह करवा रहे हैं? वीना है और कौन है? नहीं भाई ये मीना नहीं है। ये मीना नहीं तो फिर कौन है? ये मुझे नहीं पता भाई, लेकिन ये मीना नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? मैंने आपसे कहा था ना मैं वो नहीं हूं। लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अरम ये क्या? अरम अरे मेरी बात सुनो। अरे 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 मेरी बात सुनो। अरे सुलेमान मौली साहब को घर छुड़वा दो। जो कुछ भी हुआ बहुत बड़ी गलतफहमी की बेस पे हुआ। आइए मैं आपको घर छुड़ाता हूं। आपको क्या लगता है आपकी इस नौटंकी से इस परेशानी का जाला हो सकता है जो मेरी फैमिली ने आपकी वजह से उठाई है? उनसे माफी मांग लूंगा, आपको बाइज्जत खुद घर छोड़ के आऊंगा मैं। क्या समझते हैं आप वो माफ कर देंगे आपको? मैंने कहा ना मैं माजरत करूंगा उनसे। अपने भाई की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो गए आप? सबको मजाक बना डाला, शर्म नहीं आई आपको? कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? देखिए मैं पहले बहुत शर्मिंदा हूं आपसे। आप मुझे जितना मर्जी बुरा भला कहना है कह लें, लेकिन प्लीज इस वक्त चले मेरे साथ, अभी भी देर नहीं हुई है। की बर्दाश्त नहीं कर सकती। समय कहीं नहीं जा रहा, चलो तो हाल से।
रुशना, परवशा, रुशना का दरवाजा खोलो, रुशना, परवशा, मिर्हा, रुशना, मिर्हा तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ थी तुम और भी क्या हालत बना रखी है तुमने? रुशना वो लोग मुझे तुम्हारे धोखे में उठा कर ले गए थे। कौन लोग उठा के ले गए? अरहम का भाई। वो तो शुक्र करो कि एंड वक्त पे अरहम आ गया, वरना वो तो मेरा उससे निकाह करवा देता। मुझे मीना समझ रहा था वो। कौन है रुशना? अम्मी मिर्हा आई है। तुम क्या कर कर आ रही हो तुम? चाची जान आप अंदर चले, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मुझे नजर नहीं आ रहा शादी का जोड़ा पहन कर अपने शोहर के साथ तुम आकर मेरे दरवाजे पर खड़ी हो गई हो और फिर मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं? कहाँ जाएगी मेरा, उसकी बात तो सुन ले आप। चुप रहो तुम। जान एक दफा मेरी बात सुन ले। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आज से इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो गए। चाची जान मेरी एक दफा बात तो सुन ले। हटो तुम जिसके साथ आई हो ना उसी के साथ चली जाओ तुम। बस आज से इस घर का हटो, पीछे दफा हो जाओ यहाँ से। चाची जान अब मैं एक दफा बात सुन ले उसकी, वो कहाँ जाएगी? चाची जान प्लीज मेरी बात सुने, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। प्लीज चाची जान मेरी बात तो सुने, मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने कुछ भी नहीं किया। चाची जान दरवाजा खोले। चलो अगर तुमने उसके लिए दरवाजा खोला ना तो तुम्हें भी मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। हमें मेरा को अंदर आने दे, वो बेकसूर है। कहाँ जाएगी वो? जहन्नुम में जाए वो। ये तो हमारे मुंह पर कालक मलने से पहले सोचना चाहिए था उसे। मैं खुदा के लिए इतनी ज्यादती नहीं करे, एक बार उसकी बात तो सुने। अगर तुमने उसके लिए दरवाजा खोला तो तुम्हारे लिए रुशना इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, सुना तुमने? ठीक है, मैं इस घर से जा रही हूँ, लेकिन मैं मेरा को अंदर जरूर लेकर आऊंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम नहीं मानोगी ऐसे। हमेशा ताला लगा कर आऊंगा। अम्मी वो मैंने तुमसे कहा ताला लगा कर आओ। चलो अम्मी बंदोबस्त करती हूँ, खुदा के लिए ऐसा नहीं करे। मैं तुम्हें भी बताती अम्मी, नहीं अम्मी प्लीज नहीं। आ जाओ मैं कहनी आ जाओ। अम्मी 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 दरवाजा खोल रही है। अम्मी चलो तुम दोनों अंदर जाओ। अम्मी दरवाजा खोल दे। नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। परवशा अकेला परवशा, अरे ये शोर कैसा है? हमें मिला कहाँ जाएगी? उसका हमारे सिवा कोई नहीं है। इतनी जालिम नहीं बने प्लीज। अरे क्या हो गया है तुझे? अरे तूने रुशना को अंदर क्यों बंद कर दिया? खामोशी, इस वक्त मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अब जाओ यहां से। अम्मी दरवाजा खोले, खोले तो। नहीं खुलेगा दरवाजा, सुना तुमने? बड़ी हमदर्दी चढ़ी है तुम्हें। खाला मैं दरवाजा खोले। सच्ची जान प्लीज दरवाजा खोले, मेरी बात तो सुने। सच्ची जान मेरी बात का यकीन करे प्लीज। सच्ची जान मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज दरवाजा खोले। सच्ची जान देखो मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। क्या मिला मेरी जिंदगी बर्बाद करके? बोलो तुमने क्या मिला मेरी जिंदगी बर्बाद करके? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस घर के अलावा दुनिया में मेरा कोई घर नहीं है। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन मैं आपको मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से।
सब कुछ गलत कर दिया मैंने। अरम ठीक ही कहता है, उसकी मोहब्बत में वाकई बहुत आगे बढ़ गया मैं। मुझे कुछ याद नहीं रहा, आखिर क्यों किया मैंने ऐसा, अच्छा नहीं किया मैंने। उस लड़की के साथ बहुत गलत किया, मैंने उसकी पुकार पर ध्यान क्यों नहीं दिया। ओ खुदा, किस कदर जालिम और घटिया निकला मैं। इश्क तमाशा कोई है बाहर? परवेशा! अरे रुशना, अरे क्यों चिल्ला रही है? खाला मैं दरवाजा खोले, अम्मी ने मुझे अंदर बंद कर दिया है। अरे लेकिन क्यों बंद किया है? मेरा बाहर दरवाजे पे खड़ी है, उसे भी अंदर नहीं आने दे रही, दरवाजा खुलवाए। अरे लेकिन क्यों? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये घर में हो क्या रहा है। अकेला, ए अकेला, अकेला, अरे पता नहीं क्या कर रही है अकेला ये। मनहूस को इसलिए बंद किया है कि मेरे खिलाफ जाती है वो। अब जलती रहे कमरे में, मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। अरे तुझे हो क्या गया है? ना तू इसे बाहर आने दे रही है, ना तू उसे अंदर आने दे रही है। अरे जवान लड़कियां हैं, तू मोहल्ले वालों को बातें करने का मौका दे रही, देख तुझे मौसम भी कितना खराब हो रहा है। मोहल्ले वालों को तो पता चल गया, जो चांद चढ़ाना था उसने वो तो चढ़ा लिया। अरे तो तू इतनी सख्त दिल क्यों हो रही है? उसे पूछ लेती ना कि तू रात भर कहां रही। वो शहजादी चांद चढ़ा कर आई है, शादी के लिए घर से भागी थी ना, शादी कर कर आकर वापस आ गई है। अम्मा भाई बहुत बिजली चमक रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। इधर आओ, लेट जाओ मेरे साथ, लेटो इधर। देखो देखो ये बिल्कुल ठीक कह रही है, मौसम कितना खराब हो रहा है, बिजली कड़क रही है,
और तुम तो जानती है कि वो इस बिजली से कितना डरती है। खाला माँ बस, मैंने अब कुछ नहीं सुनना। वो जो कालक हमारे मुंह पर थोप कर गई है ना, खानदान वालों को जवाब तो मुझे ही देना है ना। डरती है तो डरती रहे। अकेला तुझे तो ना जाने कब अकल आएगी। खाला माँ अब जाए, आराम कर जाए। अरहम, तू अभी तक जाग रहे हो? जी पोपो, कोई काम है बताएं। मेरा अब अभी तक घर नहीं आया, अपना फोन भी आंसर नहीं कर रहा, और आयजा की फ्लाइट आने ही वाली है। I'm sure भाई रास्ते में होंगे। तुम्हें फोन तो आंसर करना चाहिए ना। पोपो भाई बच्चे नहीं है, आप परेशान मत हो। मेरे लिए वो अभी तक बच्चा ही है। तुम्हारी माँ के बाद तुम दोनों को मैंने ही संभाला है। For God's sake, पोपो, आप एक ही बात कर करके थकती नहीं है? ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? सॉरी पोपो, सॉरी। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए कि उसके लिए गेट खुला है कि नहीं, वरना उसकी बद्दुआएं मुझे उम्र भर चीजें नहीं देंगी। ऐसा मत करो। तुम्हारा गुनहगार हूं मैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम जो चाहोगी मैं करने को तैयार हूं। मैं जो चाहती हूं आप कर सकते हैं? ठीक है, खुलवाइए दरवाजा मेरे लिए, खुलवाए मेरे लिए दरवाजा। देखो मेरा, प्लीज इस वक्त यहाँ से चलो, हम सुबह आ जाएंगे। नहीं, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। अगर मैं यहाँ से चली गई तो अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाऊंगी। मेरा प्लीज समझने की कोशिश करो, सुबह इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मैं खुद बनाने आऊंगा। सुबह तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरा जिद मत करो, सुबह मैं इन्हें खुद बनाने आऊंगा, मैं खुद बात करूंगा इनसे, इन्हें तुम्हारी सच्चाई का यकीन दिलाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है मान जाएंगे लोग। मेरा यहाँ रहना पहले ही बहुत मुश्किल था, अब आपने मेरी जिंदगी और अजाब बना दी। मेरा प्लीज, बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम यहाँ पे क्या करोगी? ये आपका मसला नहीं है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें आप। तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज इस वक्त यहाँ से चलो। कहाँ लेके जाएंगे अब आप? मेरी बात का यकीन करो, मैं उन्हें खुद तुम्हारी सच्चाई का यकीन दिलाऊंगा, मैं मनाऊंगा इन्हें। जुर्म मेरा है ना, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए।
प्लीज चलो मेरे साथ। ले गया ना उसे हमारी आंखों में धूल झोंक कर। मनहूस समझ रही थी कि मैं इसे माफ कर दूंगी। शुक्र जान छूटी मेरी और मेरे बेटे की। बैठे हम लिखो। चाचा दो चाय और कुछ खाने को भिजवा दें। जी हाँ बैठे मैं भेजता हूँ खाना भी है चाय भी। कोई मैकेनिक मिल जाएगा यहाँ से? जी हाँ मैं अब्दुर्रहमान बैठे हैं। मैकेनिक इश्ता जी जी रवाला। शुक्रिया। परेशान मत हो, तुम्हें मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो नुकसान आप मुझे पहुंचा चुके हो उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी है? आप प्लीज टेक इट इजी। क्या टेक इट इजी? आपके नजदीक मेरा घर से निकाल दिया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। बस आज की रात गुजर जाए फिर मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त भी करता हूँ और कुछ एक्सपेंसेस का भी। आप हमेशा पैसों को बीच में क्यों लाते हैं? आपको क्या लगता है सब कुछ पैसों से खरीद सकते हैं आप? मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया, मेरी इज्जत का जनाजा उठ गया है। खरीद सकते हैं मेरी इज्जत? मेरी इज्जत मुझे खरीद के वापस दे सकते हैं आप? तुम जानती हो ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं है? आप जाएं मेरी चाची जान के पास, उनको मनाएं, कर दें उनका मुंह पैसों से बंद। सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। आपने अभी तक दरवाजा नहीं खोला, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, वो बीमार हो जाएगी। मैं गई थी बुलाने, वो गेट पर नहीं है। वो कहां थी इंतजार करने वाली? मैं आपने उसे क्यों जाने दिया? कहां जाएगी वो? जिसके साथ मुंह काला करके आई थी ना उसी के साथ गई है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? वो किसी के साथ खुद नहीं गई थी। वो तो खुद गई है या उसे कोई लेकर गया है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो इस बात का इत्मीनान है कि मेरी जान छूट गई इस मुसीबत से। तो फिर आप वाजपेयी को क्या जवाब देंगे? क्या नया झूठ बोलेंगे आप उनसे? वही कहूंगी जो सच है।
आपने जानबूझ के मिर्हा को अंदर नहीं आने दिया ताकि आप बहाज को मिर्हा से बचा सके? तुम मां पर इल्जाम लगाती है, कैसी औलाद है तू? देख रही है खाला मां, इनको अपने बेटे की खुशी का कोई एहसास? हाँ नहीं एहसास मुझे, और मुझे कोई दिलाने की कोशिश भी मत करे। इस जिंदगी का इंतखाब इसने खुद किया है, किसी के आसरे पर नहीं बैठी थी। सुना तुमने? क्या होगा खाला मां, मेरा भी तो चली गई है, खुदा जाने मैं क्या कह सकती हूँ। बेटा मैकेनिक आ गया है। अच्छा यार ये सफेद औडी खड़ी यहाँ पे मेरी, चाबी लो। बारिश में चल नहीं रही, स्टार्ट नहीं हो रही। सही है, ठीक है मैं इधर ही बैठा, मुझे बता दो। चलो का जोड़ा पहनकर अपने शोहर के साथ तुम आकर मेरे दरवाजे पर खड़ी हो गई हो और फिर मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं? तुम जिसके साथ आई हो ना उसी के साथ चली जाओ। तुम बस आज से इस घर का हट्टा पीछे, दफा हो जाओ यहाँ से। साहब आपकी गाड़ी तैयार हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने महीने तुम्हारे? सर जो दिन चाहिए। कार तैयार हो चुकी है मेरा, तुम खा लो फिर उसके बाद आ जाना, मैं कार में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। इश्क तमाशा तमाशा इश्क तमाशा।